नादौन की बेटी शैलजा चंद्र ने हॉट माउंट मिसिज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2019 के फाइनल में जगह बना ली है। श्री साई एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के फाइनल में देश विदेश की कुल 170 महिलाओं के बीच मुकाबला होगा। इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला ग्रीस में 10 से 20 अक्टूबर के बीच आयोजित होगा। इस फाइनल मुकाबले में जहां विजेता का फैसला होगा, वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 50 महिलाओं को विभिन्न टाइटलों से भी नवाजा जाएगा। आपको बता दें कि नादौन की बेटी 47 वर्षीय शैलजा चंद्र शिक्षाविद हैं। वह लंबे समय से दिल्ली में ही रह रही है। उनके पति विवेक चंद्र पेशे से इंजीनियर हैं। वह भी हमीरपुर जिला के धमरोल के रहने वाले हैं। शैलजा चंद्र अपनी तीन बहनों व एक भाई में सबसे बड़ी है। उनका एक बेटा सात्विक कनाडा में इंजीनियरिंग कर रहा है, जबकि दूसरा बेटा इवेंट कंपनी में मैनेजर है। हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर रही शैलजा चंद्र भी इसमें शामिल है। इन दिनों शैलजा चंद्र अपने घर नादौन में आई हुई है और अक्टूबर में ग्रीस में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए व्यायाम सहित अन्य गतिविधियों में भाग ले रही है। शैलजा चंद्र ने बताया कि कठिन परिश्रम सहित यदि बुलंद इरादे हों, किसी भी कार्य में कोई भी बाधा आड़े नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आयोजित ऑडिशन में करीब 1500 के करीब महिलाओं ने इसमें भाग लिया और चयनकर्ताओं ने 170 महिलाओं को हॉट माउंट मिसिज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2019 के लिए चुना, जिसमें मैं शामिल हूं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला ग्रीस में 10 से 20 अक्टूबर के बीच आयोजित होगा। शैलजा चंद्र ने यहां तक पहुंचने के लिए अपने माता पिता, परिजनों और क्षेत्रवासियों के सहयोग और दुआओं का परिणाम बताया। चंदन ने बताया कि वह फाइनल के लिए खान पान व नृत्य पर विशेष ध्यान रखे हुए हैं। तो इसी तरह से ये जर्नी शुरू हुई और 3 मार्च को मैंने ऑडिशंस दिए। दिल्ली में जेपी इंटरनेशनल होटल में थे, जहाँ पे 3 राउंड्स थे। मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था, रैंप वॉक करना था और टैलेंट राउंड था। तो ये तीनों राउंड्स के लिए मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की पहले, और उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो मुझे थोड़ा सा घबराहट शुरू हुई, क्योंकि जो मिसेस है और ये प्लेटफॉर्म जो है ये शादीशुदा महिलाओं के लिए है, लेकिन वहाँ पे बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जो सिर्फ 30 वर्षीय थी और मेरे से 15 साल उम्र में छोटी थी, और उनके साथ कम्पीट करना अपने आप में मेरे को एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा था, क्योंकि उम्र तो है ही है, 47 वर्ष कुछ कम नहीं होते। और बट एक मन में था कि अपना अच्छा करूँ, अपना बेस्ट दो, और इसी तरह से मैं वहाँ पहुँच गई और मैंने अपना ऑडिशन दिया। 2 दिन के बाद ही मुझे सिलेक्शन लेटर मिल गया। 1500 महिलाओं ने ये ऑडिशन दिया था, जिसमें से उन्होंने 172 को फाइनल चूज़ किया, और हम 172 महिलाएं जो हैं हम ग्रीस में जाएंगे अक्टूबर में, और वहाँ पे जाके हम अपना कंपटीशन करेंगे और वहीं पे मिसेस इंडिया चुनी जाएंगी। शैलजा चंद्र की माता ने कहा कि हमें गर्व है कि हमारी बेटी ने इस प्रतियोगिता में अपना और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ऐसी उम्मीद है कि शैलजा ग्रीस में जाकर हिमाचल का नाम रोशन करेगी। ये मेरी बेटी शैलजा चंद्र है, आई मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि इसने इतना इस मुकाम पर पहुँची है ये, और सबसे ज़्यादा खुशी है परिवार में, ये एक सितारे की तरह चमकेगी आगे, मेरे को यही उम्मीद है। शैलजा चंद्र की बुआ शांता गौतम ने कहा कि हमें शैलजा पर गर्व है कि वह बचपन से ही पढ़ाई सहित अन्य गतिविधियों में बड़ी होशियार थी और हर कार्य को बड़ी मेहनत, सहजता और ईमानदारी से करती थी। हमें शैलजा से ऐसी उम्मीद है कि ये ग्रीस में पहुंचकर अपना और अपने परिजनों का नाम ऊंचा करेगी। नादौन से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की बेटी है शैलजा, और मुझे इस पर बहुत गर्व है, क्योंकि ये बचपन से ही रचनात्मक कार्यों में इतनी उलझी रहती थी कि हम हैरान हो जाते थे। तो अब ये जा रही है वर्ल्ड लेवल कंपटीशन पर, तो हम तो विश करते हैं हार्टली और प्रे करते हैं गॉड से कि ये अपने मिशन में सफल हो और हमें और भी गौरवान्वित करें, और ये हमारी बेटी सारे संसार में अपना नाम उजागर करें। नादौन से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।